अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 100 दिनों की है, तो उन 100 दिनों को आप किस तरह बिताना चाहेंगे? उन 100 दिनों में क्या आप अपने लाइफ को फिर से जीना चाहेंगे या फिर अपने लाइफ को रोते हुए बिताना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं 100 वेब सीरीज के बारे में, जिसे रिलीज़ की गई है हॉट स्टार पर, और इसमें मेन स्टारिंग के रूप में आपको नजर आए थे लारा दत्ता और रिंकू राजगुरु। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 100 वेब सीरीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत 100 वेब सीरीज के बारे में। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है नेत्रा नाम की एक लड़की से, जिसे अचानक से ही पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है और वो 100 दिन के अंदर ही मारी जाने वाली है। ये बात सुनते ही उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन अचानक से ही उसके दिमाग की घंटी बजती है कि उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ना कभी किसी पार्टी को ज्वाइन किया, ना कहीं घूमने गई, और सबसे बड़ी बात उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि कभी उसने सेक्स भी नहीं किया। तो फिर बस निकल पड़ी नेत्रा अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस और थ्रिलिंग बनाने के लिए, और ये काम वो किस तरह करती है ये इस कंप्लीट सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। इसी बीच वो किन किन लोगों से मिलती है और वो अपने लाइफ को कितना ज़्यादा एडवेंचरस पाती है, ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस वेब सीरीज के दूसरे पहलों के बारे में, जो कि है एसएपी सामिया, यानी लारा दत्ता। लारा दत्ता एक ऐसी कैरेक्टर में आपको नजर आने वाली है इस वेब सीरीज में, जो कि अपने स्वार्थ के लिए कोई भी हदें पार कर सकती है या फिर किसी को भी यूज कर सकती है, बाद में उससे अपना नाता भी तोड़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सीरीज मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों, ये सीरीज मुझे काफी हद तक अच्छी लगी, और ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसे आप लगातार बैठकर देखना चाहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि एक एपिसोड देखने के बाद दूसरे एपिसोड में क्या होने वाला है इसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। सीरीज की स्टोरी और डायलॉग्स और इसमें हल्की फुल्की कॉमेडी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। फाइनली अब हम बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं दूंगा इसे 5 में 3.2 स्टार, क्योंकि मुझे ये सीरीज अच्छी लगी है और इस सीरीज की स्टोरी लाइन भी मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगी है, या फिर कह सकते हैं कि इस सीरीज की स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगी है। इसके एक्शन, इसके डायलॉग्स, आपको सभी चीजें बहुत रियलिस्टिक लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीरीज हम देखें या ना देखें, तो इस सीरीज को आप जरूर देखें, और इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, वो भी हॉट स्टार पर। सीरीज के एंडिंग में बहुत सारे कंक्लूजन रख दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए गए हैं, जो कि शायद सीजन 2 में आपके सामने रिवील होने वाले हैं। सीरीज की क्लाइमेक्स आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, प्लस इसके हर एक कैरेक्टर से आपको बहुत ज्यादा लगाव भी हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं सीरीज के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि सीरीज की स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ी स्लो है, और इस सीरीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज एटलीस्ट आपको बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट हमें जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।